दोस्तों लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां जाते ही हर सीएम की चली जाती है कुर्सी, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को नोएडा जाकर 29 वर्ष से बने अंधविश्वास को तोड़ने की पहल करेंगे। आपको बता दें कि नोएडा को लेकर ये अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा करता है बाद में उसकी सत्ता चली जाती है। इससे पहले मायावती ने बतौर मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा किया था, बाद में उनकी कुर्सी चली गई थी। उसके बाद से ही नोएडा को राजनीतिक रूप से मनहूस समझा जाने लगा है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नोएडा के बोटानिकल गार्डन से दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर तक दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सूबे के सुखिया होने के कारण योगी आदित्यनाथ इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सीएम बनने के बाद योगी ने सभी 75 जिलों का दौरा करने का ऐलान किया था, लेकिन वे अब तक नोएडा नहीं जा पाए हैं। इस बात पर लोग तरह तरह के सवाल करने लगे थे। कहा जा रहा था कि गोरखपीठ के महंत भी अब शगुन से डर गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा है कि योगी ने कभी अंधविश्वास और अपशगुन को नहीं माना है, भले ही वे एक धार्मिक व्यक्ति है। गौरतलब है कि नोएडा शहर को लेकर ये अंधविश्वास 29 सालों से चला आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में सीएम रहे वीर बहादुर सिंह यहां आए थे, वो भी गोरखपुर के रहने वाले थे। 23 जून 1998 को नोएडा आए, लेकिन अगले दिन उन्होंने किन्हीं कारणों से इस्तीफा सौंप दिया था। तब से लेकर आज तक ये अंधविश्वास बन गया है कि जो यहां आएगा वो अपनी कुर्सी को खो देगा। वीर बहादुर के कुर्सी जाने के किस्से के बाद मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और अखिलेश यादव भी सूबे के सीएम बने। मगर कुर्सी खोने के खौफ के कारण इन लोगों ने नोएडा शहर से दूरी बनाकर रखी है। तो दोस्तों, इस न्यूज के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आगे और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे न्यूज सूत्र चैनल के साथ। धन्यवाद।